कश्मीर लाइफ लाइव अपडेट्स में आपका खैर मकदम। मैं शेख हिलाल, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि शोपियान टाउन का जो मेन पोलिंग स्टेशन है, टाउन हॉल शोपियान, जहां पे लगभग 10 साल के बाद आज लग रहा है कि रियली पोलिंग हो रही है, क्योंकि अभी तक जब भी यह पोलिंग इलेक्शन में पोलिंग हुआ करती थी तो इन एरियाज में काफी कम पोलिंग हुआ करती थी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीडीपी के कैंडिडेट यावर सफी बांडे मॉर्निंग में ही अपना वोट कास्ट करने आए हैं, और जितने भी अपने टाउन के लोग हैं वो घरों से निकल आए हैं। हालांकि थोड़ी बहुत सर्दी भी अब यहाँ पे महसूस हो रही है, लेकिन जिस तरह से हमें लग रहा है कि लोग पोलिंग स्टेशंस पे आ रहे हैं तो लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होने का जो मकसद रखा है गवर्नमेंट ने तो वो हो रहा है अभी। तो हम अभी कुछ जो अपने नए वोटर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो भी बात करने की कोशिश हम करेंगे। वोट क्या क्या सोच त्रोवते वोट मतलब क्या मकसद सुबह मॉर्निंग चाय चथी वोट त्रावि क्या मसल क्या दपान मसल ग हल खुशसान मतलब अम वोट सत क्या फर्क पे तुम जिंदगी पे हालात रोजन ठीक बे रोजगारी गतम सुकून रोज गी बसान वोट त्रो चुन असम्बली मैं पुहस तम कम तुम सोच त्रम वोट तुम रब क्या क्या कर। और एक और वोटर हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका नाम? मोहम्मद मुबशर। मुबशर साहब आपने इससे पहले भी वोट डाला है कि आपका पहला वोट है? नहीं, इससे पहले भी हमने पार्लियामेंट में वोट डाला। तो क्या सोचकर आप पोलिंग स्टेशन पे इन मॉर्निंग में आए, क्या लग रहा है आपको कि जो आप ये वोट कास्ट कर रहे हैं इससे जो आपका मकसद है, जो वाबस्ता है आपसे आपका पसंदीदा उम्मीदवार, क्या वो खरा उतरेगा आपकी जो उम्मीदें हैं? हम तो वोट इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जो देश में क्रिमिनल वायलेंस हो रही है वो थोड़ी सी कम हो जाए, जो हमारे नुमाइंदे और जो हमारी पार्टी हो उसको जिताया जाए। थैंक यू। तो ये अभी आप मेरा लाइव डिस्पैच देख रहे हैं टाउन हॉल शोपियान से। तो यावर बांडे हमारे साथ जुड़े हैं पीडीपी के कैंडिडेट शोपियान कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ये मॉर्निंग में अपना वोट कास्ट करने के लिए आए। तो यावर क्या कहना चाहेंगे आज इस 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं? 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं और वी आर होपफुल इंशाल्लाह कि टाउन में स्पेशली जो पार्टिसिपेशन कम रहती थी, आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह पीपल विल कम आउट एंड दे विल कम आउट इन गुड नंबर्स एंड वोट एंड ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अच्छा ही रहेगा, माहौल भी ठीक है। बस ये शोपियान टाउन का ही हमारा ये है कि आई होप पीपल विल कम आउट इंशाल्लाह, इफ आई एम पॉजिटिव तभी बदलाव आ सकता है। जिस तरह आपकी कंपेनिंग हुई है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और आपका जो फोकस रहा है मेन तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन क्योंकि टाउन में बायकॉट हुआ करता था तो पोलिंग काफी कम हुआ करती थी, तो आपको इस तनाजुर में क्या लगता है, इस बार क्या लगता है कितनी पोलिंग हो सकती है टाउन में और कितनी इम्पोर्टेंट है टाउन की पोलिंग? इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, हमेशा से ही इम्पोर्टेंट थी टाउन की पोलिंग। जहां तक कैंपेनिंग का सवाल है, स्पेशली शोपियान टाउन में हमने कोशिश की कि वी हैव नॉट लेफ्ट एनी हाउस होल्ड अनअटेंडेड, हमने हर किसी डोर को नॉक किया है यहाँ शोपियान में, एग्रेसिवली हमने कैंपेनिंग की यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, आई एम वेरी मच होपफुल, द रिस्पॉन्स वी गॉट फ्रॉम द पब्लिक वॉज वेरी पॉजिटिव एंड दे वॉन्ट टू कम आउट एंड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड दे वॉन्ट टू एक्सरसाइज देयर वोट। थैंक यू, थैंक्स सो मच। तो ये यावर सफी बांडे थे पीडीपी के कैंडिडेट शोपियान कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जो पुर उम्मीद है कि अभी लाल जो पुर उम्मीद है कि
टाउन शोपियान जो अभी तक पोलिंग में हिस्सा बहुत कम लेता था, तो इस वक्त इस टाइम पोलिंग बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। हमारे साथ एक और साथी है मुबारक साहब, तो इनसे पूछना चाहेंगे कि ये किस बिना पर आज आए और क्यों इन्हें वोट डाला, क्या मुद्दे और क्या मकसद है? आज मैंने वोट डाल दिया है इस उम्मीद के साथ कि हमारी जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ की बेरोजगार जो खत्म होगी, और 10 साल के बाद आज वोट डालने को मिला है तो अच्छा लगा है वोट डालना। उम्मीद है कि जो हमारा कैंडिडेट होगा वो इस शोपियान के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करेंगे, हमारे यहाँ जो बहुत सी मसाइल हैं उनको ठीक करें, पानी का मसला, बिजली का मसला, राशन का मसला है, और खासकर जो बेकार यूथ हमारा है उसका मसला है, और डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो डेवलपमेंट का मसला है, उसके लिए हमने वोट डाला है। मेरी उम्मीद है लोगों से कि मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी आए और अपना वोट कास्ट करें। तो कुछ पार्टियाँ जो ये उठाती है, मसले उठाती है स्टेट लेवल के, और क्या आप उन मुद्दों पे वोट करना चाहेंगे कि जो लोकल मुद्दे हैं यहाँ पे उनको मद्देनजर रखकर आप वोट करते हैं? हमारे लोकल मुद्दे जो है, जब हमारे लोकल मुद्दे हल हो जाएंगे तब स्टेट के मसले हल हो जाएंगे, पहले हमारे लोकल मुद्दे वो हल होने चाहिए। तो जैसा कि आपने पहली जो अपना पहला जो डिस्पैच है वो मैं शोपियान मेन टाउन से दे रहा हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के बड़े बहुत अच्छे इंतजाम है, वोटर्स के लिए पानी का इंतजाम है, चेयर्स का इंतजाम है, और कोई खौफ हिरास का कोई माहौल नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट पोलिंग स्टेशन पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।